Assalamualaikum viewers, आज हम भिंडी ऑनियन की रेसिपी बनाएंगे। भिंडी ऑनियन के लिए हमें भिंडी चाहिए, आधा किलो भिंडी अच्छे वाली, उनको बीच दौरान काट दें अच्छी तरह से काट दें, और ऑनियन 5 को काट दें अच्छी तरह से, वो साबित ऑनियन इस्तेमाल करने हैं, और टमाटर 1 एक अदद कटा हुआ, और प्याज एक अदद कटी हुई, और आधा टेबल स्पून कूटी हुई मिर्च, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून, और मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, अब ज़ीरा आधा टेबल स्पून, नमक हसबे ज़ायका, और आमचूर मसाला 1 टेबल स्पून, और कूटा हुआ अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, और इमली 1 टेबल स्पून। अब हम बड़े वाले चम्मच ऑयल 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज को हम फ्राई करेंगे। मिक्स करेंगे और ब्राउन करेंगे, हल्का ब्राउन करेंगे। अब हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब हम अदरक लहसुन का कूटा हुआ 1 टेबल स्पून अच्छी तरह से मिक्स करें और पकाएं। टमाटर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, कूटी मिर्च और आमचूर मसाला, नमक हसबे ज़ायका अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएं। अब हम इसमें इमली डालेंगे, इमली को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करें। तब तक पकाएं जब तक टमाटर गल नहीं जाए। अब हम इसमें ऑनियन, साबित ऑनियन और भिंडी डालेंगे। मिक्स करेंगे, 3 मिनट इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे, 3 मिनट मिक्स करके पकाएंगे, 3 मिनट मिक्स करें पकाएं। 3 मिनट के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, पानी इतना डालेंगे जब ऑनियन और हमारी भिंडी पक जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे, 15 से 20 मिनट इसको हम कवर कर देंगे। अब कवर बीच के दौरान हमने इसमें कवर को निकाल दिया, उतार दिया है, और मिक्स करेंगे, फिर हम कवर कर देंगे जब तक थोड़ा सा पानी सूख जाए। अब हमारी भिंडी रेसिपी तैयार है। हम स्टोवे को ऑफ करेंगे और ऑनियन भिंडी को डिश आउट करेंगे। पुदीने से हम उसको गार्निश करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और वीडियो मेरी शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी की मुलाकात होगी। सो अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट दें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।